जब सरकार को कोई चुनाव कराना होता है तो बहुत जोर शोर से प्रचार होता है कि भैया सबको पता चल जाता है कि भैया चुनाव होने वाला है। लेकिन बेटा जब वो लोग प्राइवेटाइजेशन करते हैं किसी चीज का, तो बड़े शांति से करते हैं, किसी को पता नहीं होने देते कि हाँ भैया हम निजीकरण कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं इस कंपनी को उस कंपनी को। यही हाल बेटा हम लोग के यूपी में होने वाला है। तो बेटा यूपी में ही अभी आपको पता होगा कि 3 दिन का यूपीपीसीएल का स्ट्राइक चल रहा है। किस लिए भैया? निजीकरण कर रहे हैं, कोई भी पेंशन योजना जो चल रही है उसको क्या करें मॉडिफाई कर रहे हैं और बिना किसी को बताए साइलेंट किलर की तरह सब कुछ चेंज कर रहे हैं। तो इससे बेटा क्या हो रहा है, दिक्कत क्या बेटा? दिक्कत सबके साथ है। जो आपको वहां जॉब कर रहा है यूपीपीसीएल में उसको जॉब, उनको बड़ा दिक्कत हो रही है कि भैया प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, भैया आपका काम को प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर रहे हैं, पेंशन को कम कर रहे हैं। और बेटा इससे दिक्कत की है, हम सबको दिक्कत है भैया, सभी आप लोग को भी भैया, जॉब की पढ़ाई कर रहे हो, आईटीआई वाले हो, चाहे बेटा क्या यूपीपीसीएल जेई हो, आपका एई हो, सब लोग वेट कर रहे हैं। अब आप खुद देखो यार कि आपका डिमांड बढ़ रहा है तो यार वैकेंसी बढ़नी चाहिए, लेकिन भैया वैकेंसी घटती जा रही है, वो भी नहीं आ रही है। क्यों भैया? प्राइवेट हाथ में देना है भैया। और बहुत ही साइलेंट किलर की तरह ये सब चीजें हो रहा है बेटा, और उसी का विरोध करने के लिए यूपीपीसीएल में 3 दिन का स्ट्राइक है बेटा। और वो आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, लाइट नहीं है, हम लोग की भी लाइट नहीं है। लेकिन बेटा देखिए यही जरूरी है कि यार जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाओगे तब तक क्या करें बेटा, लोग इसी तरह से चीजों को साइलेंटली करते रहेंगे, जो कि बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई करो भैया जॉब मिलेगी, वैकेंसी आएगी, नहीं भैया निजीकरण प्राइवेटाइजेशन करें, पता नहीं क्या इसमें लोगों को खुशी मिलती है, बस वही प्रॉफिट 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 हर जगह प्रॉफिट। बच्चों का इमोशंस क्या होता है उसे कोई किसी को मतलब नहीं है। ये चीज बेटा आपको बतानी है कि पढ़ाई करते रहिए और बेटा ध्यान से कोशिश करिए कि हाँ इस 1-2 साल में अपनी तैयारी करके सिलेक्शन ले लीजिए, चाहे आपका यूपीपीसीएल TG2 हो, आपका आपका जेई हो, एई हो, बिकॉज आने वाले दिनों में बेटा क्या करेंगे, सब लोग प्राइवेटाइज कर देंगे और वो बेटा आपका क्या हो जाएगा फिर तो काम करने से सब कुछ। तो ये ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए बेटा, कोई भी डाउट होगा पूछ सकते हैं। और बेटा ध्यान से कोई भी गाइडेंस चाहिए आप लोग को, हम लोग हमेशा तैयार हैं देने के लिए बेटा, बस कमेंट बॉक्स अपनी बातों को रख लीजिएगा, वी आर गोइंग टू हेल्प यू ऑल। और बेटा हम चाहते हैं कि आप लोग भी सहयोग करें, हम लोग भी अपने तरफ से सहयोग करें बेटा, हमारे जो स्टूडेंट वहाँ पे स्ट्राइक बैठे हैं, हम कहा चलो यार कोई बात नहीं करो, दैट इज गुड। और आप लोग भी ध्यान रखें बेटा, पढ़ाई करते रहिए, इन 2-3 सालों में अंदर सिलेक्शन लेके निकलो बेटा, ठीक है? बहुत ज्यादा गंदगी हो चुकी है, ठीक है? थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू, वी गोइंग टू गाइड यू वेरी वेरी सून अबाउट यूपीपीसीएल बेटा और बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है? थैंक यू सो मच।